रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारी आलोक ओटावाला के 37 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद हुई सबूत हाथ लगे हैं। करीब 40 करोड़ के लेनदेन के कागजात और 10 लॉकर चाबियां मिली हैं। कोटावाला का होटल हॉर्टिकल्चर और कंस्ट्रक्शन का काम है। 2016 में अपनी बेटी की शादी पर बेहिसाब पैसा खर्च करने वाला यह बिजनेसमैन डिपार्टमेंट के रडार पर था। शादी में उसने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह सहित कई सेलिब्रिटी को बुलाया था। 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जुटे। जांच में सूत्रों के मुताबिक यह रेड आलोक कोटावाला, प्रमोद कोटावाला, आशीष अग्रवाल, कमलेश जैन, भीमा राम पन्नालाल और उनके कारोबारियों के ठिकानों पर बुधवार को ही की गई थी। जांच गुरुवार को भी चल रही है। जयपुर में 33 और कोटा में 4 ठिकानों पर छापेमारी में इनके पास बेहिसाब प्रॉपर्टी और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी सबूत हाथ लगे हैं। कंप्यूटर सिस्टम पर लेजर बुक से भी स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 200 से ज्यादा इनकम टैक्स और पुलिस कर्मचारी अधिकारी रेड में शामिल है। बड़े पैमाने पर काली कमाई के खुलासे की बात कही जा रही है। बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां भी छापेमारी की। पिछले 6 साल आईटी के रडार पर थे। कारोबारी सूत्र बताते हैं कि आलोक कोटावाला उदयपुर के उदय विलास होटल में दिसंबर 2016 में अपनी बेटी की रॉयल ग्रैंड वेडिंग के बाद विभाग के रडार पर थे। यह शादी इंडिया की टॉप 10 शादियों में से एक मानी जाती है। बेहिसाब पैसा खर्च किया गया था। बैंकॉक के दूसरे सबसे अमीर और इंडोनेशियन टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल कंपनी इंड्रोमा कॉर्पोरेशन समूह के प्रकाश लोहिया के और आलोक लोहिया के बेटे यशवर्धन लोहिया के कोटावाला की बेटी सांजली की शादी हुई थी। कई विदेशी कलाकार बुलाए गए थे। दिल्ली के सिद्धार्थ कटियाल ने इस्तांबुल थीम पर स्पेशल आइस स्टेज बनाया था। इजराइल के कैटरिंग, इटली के शेफ और दिल्ली के प्रसिद्ध बैंड न्यूजीलैंड के इवेंट कंपनी की प्लानिंग खास रही थी। लीली पॉन्ड में फेरों की रस्म हुई थी। आलोक कोटावाला ने संधि प्रकाश लोहिया स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की बहनोई है।